बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोडक्ट को समझना। तो पॉलिसी बाजार 16 साल पहले इसी चीज की कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व करने के लिए कैसे सिंप्लीफाइड वे में टेक्नोलॉजी के द्वारा एक प्लेटफॉर्म पे एक कस्टमर को ये समझ में आए कि इंश्योरेंस क्या है और कैसे कैसे खरीदा जाता है, क्या फीचर्स हैं उसके। तो जो इंश्योरेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करना थ्रू टेक्नोलॉजी इज व्हाट पॉलिसी बाजार जैसे मैंने बताया एक लीडिंग ऑनलाइन स्पेस में मार्केट लीडर है। अब हम लोग आते हैं पीबी पार्टनर्स, जो पॉलिसी बाजार की एक चैनल है, एक यूनिट है। पीबी पार्टनर्स जैसे नाम बताता है कि पॉलिसी बाजार पार्टनर्स। तो हम जैसे इंश्योरेंस में देखते आ रहे हैं कि 20-21 साल से जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, करंटली अगर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री का जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर मैं देखूं कि जो जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी के अंदर इज समवेयर अबाउट 3-3.2% to 3.4%। और अगर हम लोग यही चीज देखें कि डेवलप कंट्रीज के अंदर इंश्योरेंस का क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, इट इज एवरेजिंग ग्लोबली एट 6.8% जो स्टैट्स हम देखते हैं। और कई डेवलप कंट्रीज के अंदर ये 11% है, जहां पे इंश्योरेंस मार्केट जो है वो जीडीपी को 11% कंट्रीब्यूट करता है। तो स्कोप जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। वी नो दैट इंडिया इज अ पॉपुलेटेड मतलब कंट्री, पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉपुलेशन को काटर करता है। अब पीबी पार्टनर्स के अंदर जैसे मैंने बताया कि पॉलिसी बाजार जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं और प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं, चूज करते हैं और कौन सा बेस्ट फीचर उनके लिए है उस हिसाब से वो प्रोडक्ट चूज करते हैं। और डायरेक्ट कस्टमर जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, दैट इज अबाउट ऑनलाइन पॉलिसी बाजार। बट इंडिया का अगर हम लोग मार्केट देखें और इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें तो पॉलिसी बाजार पार्टनर इज अ फिजिटल मॉडल। फिजिटल मतलब डिजिटल का बेनिफिट ऑफ पॉलिसी बाजार, जहां पे चूज कंपेयर सब प्रोडक्ट्स आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में आ जाते हैं, समझ में आ जाता है कंज्यूमर को। और फिजिकल जो मॉडल है वो हमारे पार्टनर्स है। तो फिजिकल जो मॉडल है, जैसे हमारे जो पार्टनर्स हैं पैन इंडिया के अंदर हमारे एम्प्लॉयज हैं, ये एक लोकल ट्रस्ट देते हैं लोकल सिटीज के अंदर। तो ऑनलाइन का बेनिफिट विच इज डिजिटल और फिजिकल ट्रस्ट ऑफ पार्टनर्स इन दैट सिटी इज द मॉडल ऑफ पॉलिसी बाजार पार्टनर्स। अब पॉलिसी बाजार पार्टनर्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो करीबन हमें 2.5 साल प्लस हो गए हैं इंडियन मार्केट के अंदर ट्रू पार्टनर्स। और हमारा जो कोर बिजनेस वो है कि हम लोग कस्टमर एक्वायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टनर्स दैट वी रिक्रूट इन पैन इंडिया। सो दैट्स अबाउट द पॉलिसी बाजार पार्टनर्स एंड पॉलिसी बाजार। जस्ट टू ऐड, सो बेसिकली पॉलिसी बाजार सो डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर, और पीवी पार्टनर जो है वो B2B2C है। सो हम अपने पार्टनर्स के थ्रू कस्टमर्स को सेल करते हैं। सो दिस ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट अदरवाइज जो बेनिफिट्स प्लेटफॉर्म के पॉलिसी बाजार के पास है, दोज काइंड ऑफ बेनिफिट्स आर देयर इन पीवी पार्टनर्स। एंड बियॉन्ड दैट वी ऑल्सो हैव यू नो एडिशनल फैक्टर ऑफ ट्रस्ट विच इज देयर थ्रू द एजेंट्स हु आर प्रेजेंट ऑन ग्राउंड। सो ये एडिशनल तो कैसे इंश्योरेंस को भारत में लाया जाए और कितना पेनिट्रेशन बढ़ाया जाए ताकि सभी लोग फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड हो, इज द ओनली मिशन ऑफ पॉलिसी बाजार। एंड आई थिंक पॉलिसी बाजार B2C एंड पॉलिसी बाजार पार्टनर्स आर हेल्पिंग टू पेनिट्रेट फर्दर द इंश्योरेंस कवरेज फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। एब्सोल्युटली राहुल, सो जो इंडिया का मिशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047, यही पॉलिसी बाजार का भी मिशन है। और इस मिशन को कम्प्लीट करने के लिए बोथ पॉलिसी बाजार एंड पीवी पार्टनर्स आर गोइंग टू वर्क हैंड इन हैंड एंड मेक दिस अ सक्सेस। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर विजन एंड मिशन। एंड आफ्टर पार्टनर्स की अगर बात करें, हमने ऑलरेडी बताया है कि क्यों पॉलिसी बाजार का बेनिफिट ये है कि फिजिटल मॉडल है, लोकल ट्रस्ट है, जो पार्टनर्स कंज्यूमर्स जो है उनका ट्रस्ट जो है वो लोकल पार्टनर्स पे ज़्यादा होता है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो चूज़ और कंपेयर करने का जो प्लेटफॉर्म है वो बेनिफिट की वजह से
हमारे वहाँ पे इंडिया के अंदर पीयूएसपी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वी आर द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग पीयूएसपी डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया। और पाठशाला की बात करें तो हमारा ऑलवेज ये उद्देश्य होता है कि अगर जो पार्टनर है, जो एंड कंज्यूमर को एक्वायर करता है, और हम लोग आजकल देखते आ रहे हैं कि भाई बाइंग बिहेवियर जो है पूरा टोटली चेंज हुई है। आज अगर हम लोग आसपास देखें और हमारे वर्ल्ड को देखें तो दो चीज़ें जो है वो वर्ल्ड को एक बहुत छोटे प्लेस पे ला के खड़ा कर दिया, दैट इज़ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। आज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की बदौलत वर्ल्ड जो इतना बड़ा था वो एक सिंगल पॉइंट प्लेट पे आ चुका है। और इसी वजह से अगर हम लोग देखें कि जो बाइंग बिहेवियर है वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया है कंज्यूमर का। वो कैसे चेंज हो गया है, हम अगर बाइंग बिहेवियर की बात करें और आज की डिजिटल वर्ल्ड की बात करें तो ये जो टेक्नोलॉजी है और जो इंटरनेट है उससे क्या हुआ है कि जो इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आज जो है वो कस्टमर के हाथों पर है, राइट, ऑन द टिप्स ऑफ यू नो ऑन फिंगर्स इज द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड। और इसी वजह से अगर हम लोग बाइंग बिहेवियर को देखें पिछले 10 साल से, तो आज जो कस्टमर है वो आज कस्टमर को क्या चाहिए, आज कस्टमर को क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी इजीली एक्सेसिबल है तो वो ये चाहता है कि क्या मुझे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने का मौका मिले, मैं उसको चूज करूं, कंपेयर करूं और एक इन्फॉर्म डिसीजन लूं जिसकी वजह से मेरे को एक बेहतर प्रोडक्ट मिल सके। तो पीपी पार्टनर्स को जैसे मैंने बताया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, बहुत सारे पार्टनर्स जो है वो हमसे पूरे पैन इंडिया में जुड़े हुए हैं। और पाठशाला जो इवेंट है, पाठशाला इवेंट तो डिजिटली हम लोग हमारे पार्टनर्स को बहुत एंगेज करते हैं। कैसे एंगेज करते हैं, हमारे पास में एक रोड मैप बना हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम और ट्रेनिंग इंटरवेंशंस का। जैसे आरंभ हुआ, आरंभ वो लोगों के लिए है जो हमारे न्यूली एक्वायर्ड पार्टनर्स हैं। उसके बाद में अगर हम लोग रोड मैप की बात करें तो हमारे पास में दूसरे भी डिजिटल ट्रेनिंग इंटरवेंशंस के रोड मैप के प्रोग्राम्स हैं। आरंभ के बाद में सक्षम है, जो पार्टनर्स को और सक्षम करता है उनकी नॉलेज बेस पे, ताकि वो बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस दे सके कस्टमर्स को। सक्षम के बाद में हमारे पास में एक ज्ञानशाला है जो थीम बेस्ड लर्निंग है। ज्ञानशाला इज अ प्रोग्राम विच गिव्स अ थीम बेस्ड लर्निंग टू आवर पार्टनर्स। उसके बाद में जो टॉप पार्टनर्स हैं उनके हाई कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए हमारे पास में उत्कर्ष प्रोग्राम है। तो ये तो बात हुई हमारे डिजिटल इंटरवेंशन, डिजिटल एंगेजमेंट ऑफ पार्टनर्स पैन इंडिया। पाठशाला की अगर हम लोग बात करें तो पाठशाला, आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू विजिट पाठशाला अक्रॉस इंडिया, क्योंकि पाठशाला एक अपॉर्चुनिटी होता है टॉप मैनेजमेंट और मिड मैनेजमेंट को उस सिटी में जाके पार्टनर्स को इंटरेक्ट करना, फिजिकली एंगेज करना उन लोगों के साथ, उनके फीडबैक्स लेना, ताकि हम और बेहतर से बेहतर एक फ्लॉलेस प्रपोजिशन और फ्लॉलेस ऐप जो है वो हम हमारे पार्टनर्स को दे सकें। और पाठशाला के अंदर बेसिकली हम जैसे बहुत सारी इवेंट करते हैं इंडिया में, तो ना केवल फीडबैक्स मिलते हैं ताकि हम लोग हमारे सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को, टेक्नोलॉजीज को इम्प्रोवाइज कर सके, और ये पाठशाला एक और मौका देता है कि जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं जो लोग सक्सेसफुल हैं उनको रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन के तौर पे ये प्लेटफॉर्म हमें काम लगता है। उसके अलावा विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस, तो जैसे आज की इवेंट के अंदर हमारे साथ में बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है, तो ये पाठशाला जो इवेंट होती है वो इंश्योरेंस के साथ में मिलके हम लोग करते हैं। वहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स अगर कोई लॉन्च हुआ है तो हम लोग पाठशाला के जरिए हम लोग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं इंश्योरेंस के। और जैसे मैंने बताया है कि रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन है, फीडबैक कलेक्शन है टू इम्प्रोवाइज, तो एक बहुत बेहतरीन मौका मिल जाता है टू कनेक्ट फिजिकली विद द पार्टनर्स पैन इंडिया। सो पाठशाला इज ऑल अबाउट दिस एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू एड्रेस पाठशाला इन अगरतला। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, मैंने वी ऑलरेडी टोल्ड कि इंडिया के अंदर अभी भी बहुत बड़ा प्रोटेक्शन गैप है, फ्रॉम 3.2 टू एन एवरेज ग्लोबल 6.8 जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस, स्कोप बहुत ज़्यादा है टू ग्रो और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो अ मार्केट लाइक दिस विच रिप्रेजेंट द सेम प्रोटेक्शन गैप विच इंडिया हैज़। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी हम लोग ग्रेजुअली और एक्सपांड कर रहे हैं। इट्स अ सुपर मार्केट, सुपर पीपल आर देयर फॉर नॉर्थ ईस्ट। आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू विजिट नॉर्थ ईस्ट बिकॉज वंडरफुल पीपल, लवली पीपल।
और इंश्योरेंस की बात करूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा कॉर्नर में है, तो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कई लोकेशंस ऐसी होगी जहाँ पे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज का फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा, बट वहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स हैं जो बहुत इंटीरियर में टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ के अंदर भी हमारे प्लेटफॉर्म हमारी एप्लीकेशन की वजह से कस्टमर को बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस प्रपोज कर पा रहे हैं। तो पार्टनर्स जो है वो उनकी बेस्ट चॉइस होती है व्हेन इट कम्स टू बीबी पार्टनर्स ऑल अक्रॉस इंडिया।